है। कहीं पे असल निगाह है, में, कहीं पे निशान है। जो अब आपसे कुछ दिनों बाद जब भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जब नियुक्ति का मौका आएगा, तब अरुण यादव का ये वाला सेक्रीफाइस है, या अरुण यादव जिस तरीके से अपमानित होकर घर बैठे हैं, या अरुण यादव किसी भय से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे, जो भी है, लेकिन आज सारी चीजें अरुण यादव के फेवर में जा रही है। क्योंकि आप सोचिए कि परसों कांग्रेस के दिग्गज नेता सब कमलनाथ जी के बंगले पर बैठे और एक नाम पृथ्वीपुर का डिसाइड कर दिया, जो कि आईसीसी ने डिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन ये अरुण यादव सरी के नेता के लिए अपमानित होने वाली बात थी कि उस बैठक के बाद भी एक आम सहमति उनके नाम पर नहीं बन पाई और वो लगातार, एक जबकि दो बेहतर महीने से, जिताऊ उम्मीदवार के बाद उनको जबकि दो कमजोर किया महीने जा रहा था और वो लगातार, खुद महसूस कर रहे थे कि पार्टी के अंदर से ही उनको कमजोर किया जा रहा है। जी 2 महीने से लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, खंडवा में जगह जगह जा चुके हैं। इसके पहले कमलनाथ जी बोल चुके थे कि उनका मुझे पता ही नहीं वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो सारी चाचा गणेश स्थिति पांडे आती जी है। कह रहे हैं कि मुकुल वासनिक से भी बात जी जी कुछ और जी हुई और फिर कमलनाथ की इसलिए वही भी उन्होंने हुई। जो फैसला लिया, जो चुनाव नहीं लड़ने का जो डिसीजन लिया, उसके बहुत दूर तक के इसके जो आहट है बहुत दूर तक हमको सुनाई देगी। और निश्चित तौर पे ये प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में जो एक नया एक पावर सेंटर नया देखने को पावर मिलेगा। सेंटर अरुण यादव, वैसे भी आप राकेश जी देखिए देश की राजनीति पिछड़ा वर्ग के तरफ केंद्रित होती जा रही है। मध्य प्रदेश इस बात कांग्रेस का में, एहसास अरुण यादव को हुआ मध्य है। प्रदेश कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का कोई बड़ा नेता मैं नहीं लौट है। रहा हूं, एक बार तो सुशील शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। पिछड़े वर्ग के इस नेता ने जो 3 चुनाव लगातार हार चुका है, हैट्रिक बना चुका है, क्या 2 कदम पीछे आकर एक लंबी छलांग का कोई इरादा बना लिया है, इसलिए चुनाव मैदान से दूरी और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने वाली बात सामने देखने को मिल सकती है? देखिए राकेश जी, एक बॉलीवुड की फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था, मुझे लगता है वो अरुण यादव के इस पूरे स्ट्रेटेजी पे फिट बैठता है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इन्होंने पूरा दबाव बनाया टिकट को लेकर, और जब टिकट लेने का मौका आया या परिस्थितियां इनके अनुकूल बनती, कमलनाथ का सर्वे धरा रह जाता, तब एकदम से उन्होंने जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ये माने इसे कहते दो हैं कदम पीछे आकर के लंबी छलांग का इरादा। ये बाजीगर होता है, जो हारी हुई बाजी को भी जीतता जाना। उन्हें मालूम, अरुण यादव को बहुत अच्छे से मालूम है चुनाव लड़ना ज्यादा मुश्किल है, टिकट एक बार भरे भले ले आएंगे लेकिन लड़ना और जीतना ज्यादा मुश्किल है। पूरा पूरा दबाव बनाया टिकट का, और एन समय पे जब ये वापस बैक फुट पे आए हैं, तो इनका ये सेक्रीफाइस कमलनाथ की जो प्रतिष्ठा है उसको और धूमिल करता है कि कमलनाथ कहां 40 साल के अनुभवी नेता, कहां ये वंशवाद की बेल का नेता, इससे आप भिड़ रहे हैं, आपके कद का नहीं है, उसके बावजूद आप भिड़ रहे हैं और उसको लगातार जो है उपेक्षित कर रहे हैं। तो ये पूरा मैसेज कांग्रेस में भी गया है, ये पूरा मैसेज दिल्ली में भी गया होगा। तो सुशील जी, एक बात और समझाइए, एक बात और समझाइए प्लीज। मैं चाहता हूँ कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सड़क पर आकर चुनौती दी थी, अरुण यादव भी लाइन वही है लेकिन पार्टी के अंदर से, और उसके लिए सही समय का इंतजार। देखिए ज्योतिराज सिंधिया के लिए स्थिति दूसरी थी, उनको राज्यसभा में भी जो है सेकंड कैंडिडेट बनाया जा रहा था, ऐसी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इन्होंने तो उससे बड़ा, देखिए पूरी तैयारी की सब कुछ किया और इन समय पे जब टिकट की बारी आई तो बैकफुट पे चले गए। ये कमलनाथ के लिए बहुत बड़ा झटका है। कमलनाथ ये मान के चल रहे होंगे उनकी टीम भी की टिकट तो ले ही लेंगे लेकिन हम इन्हें मैदान में नहीं छोड़ेंगे, तो इन्होंने मैदान में आने के पहले ही बाजीगर की तरह जो है बाजी अपने हाथ में कर ली है। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा था कि मुकुल वासनिक यदि चाहते तो टिकट मिलता, लेकिन मुकुल वासनिक G23 के आदमी हैं, कमलनाथ G23 के नहीं हैं, तो कमलनाथ का भला मुकुल वासनिक भी नहीं चाहेंगे। ये स्ट्रेटेजी वहीं बनी होगी मुकुल वासनिक और अरुण यादव के बीच में कि तुम इस तरीके से बैकफुट पर जाओ और कमलनाथ को एक्सपोज करो। चलिए गणेश पांडे जी, तो क्या हर नेता की अपनी अपनी एक ख्वाहिश है, अपनी अपनी रणनीति है, अपने अपने सियासी हित है? अरुण यादव का अलग, सुरेश पचौरी का अलग, अजय सिंह का अलग, और खासतौर से कमलनाथ का और दिग्विजय सिंह की बात तो अलग, जो सेकेंड लाइन जो मंत्रिमंडल का हिस्सा थे वो भी सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देख के चलता है और आगे बढ़ता है, उसी तरीके से अपने कदम भी रखता है। अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, यहाँ तक कि जो है कमलनाथ कैंप के जो सेकंड लाइनर नेता हैं, सज्जन वर्मा हो गए, बाला बच्चन हो गए, एनपी प्रजापति हो गए, उनके बयानों को अगर इससे जोड़ा जाए जी, तो फिर किस तरह से देखी जाए, क्या तस्वीर बनती है, और उसमें खासतौर से सुलोचना रावत का चला जाना,
माने एक का पार्टी छोड़ देना, एक का पार्टी अंदर रह करके नए सवाल, क्या इसमें कमलनाथ के नेतृत्व पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं? बिल्कुल, कमलनाथ के नेतृत्व पे शुरू से सवाल उठ रहे हैं। आपको ध्यान हो, जब सिंधिया जी के साथ 28 लोग चले गए थे तब से सवाल उठने लगे। अभी भी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस संगठन को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। हर नेता जो है उनसे नाराज है, यहाँ तक कि अभी भी विधायक उनसे नाराज है, अभी भी मिल नहीं सकते। मतलब आप सत्ता से बाहर हो गए, सिर्फ चलो चलो की जो है बेला में, और चलो चलो का अभियान अभी भी आपका चलो चलो का अभियान चल रहा है। तो सुलोचना रावत भी ऐसे नाराज होकर चल, सुलोचना रावत का जो है नाराजगी का एक मुख्य वजह कमलनाथ, वो कांतिलाल भूरिया और उनका परिवार। जोबट से जो है कांतिलाल भूरिया की जो भतीजी जो है चुनाव लड़ी थी, जबकि ये दो बार की विधायक रह चुकी थी, इनका टिकट काट के और उनको भूरी उसको भूरिया को की भतीजी को दिया गया था, और इससे नाराज होकर वो बागी उम्मीदवार लड़ गई थी। वहीं जीतू पटवारी भी चाहते हैं कि कमलनाथ का जो है प्रदेश अध्यक्ष से हट जाए, तो जीतू पटवारी सबसे प्रबल दावेदार हैं और दिग्विजय सिंह का भी सपोर्ट है। तो हर नेता चाह रहा है कि ये निकले, और हम सज्जन वर्मा का नेता प्रतिपक्ष पर नजर बनी हुई है। तो हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है, कांग्रेस सबके अपने अपने सियासी हित छिपे हुए। ऋषि पांडे जी, ये दांव किसका है? अरुण यादव को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर किया कमलनाथ ने, उनके समर्थकों ने, या फिर अरुण यादव ने ये दांव चल दिया है? किसको ये दांव उल्टा पड़ सकता है? देखिए, अरुण यादव के पास राकेश जी खोने के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है, उनके पास कोई पद भी नहीं है। एक टिकट उनको मिल रहा था, जो कि टिकट उन्होंने खुद ने छोड़ के, और निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से अपनी एक नई माइलस्टोन तो उन्होंने क्रिएट कर लिया है। लेकिन देखना ये होगा कि अब क्या होगा। हम यदि हम तो अरुण यादव तक केंद्रित कर रहे हैं अपनी बहस को, लेकिन अब आगे क्या होगा। कांग्रेस के पास अरुण यादव से बड़ा उम्मीदवार अपने दूसरा नाम नहीं था, ये जानते हुए भी कि उपचुनाव में जीतना सत्तारूढ़ दल के सामने एक मुश्किल टास्क होता है, वो भी तब जबकि नंद कुमार सिंह चौहान की सिंपैथी लहर चल रही हो वहां पर उस स्थिति में। तो अब अरुण यादव ने जानबूझ के दो नाम दिए उनके विकल्प के तौर पर, कि इन दो में से किसी एक को टिकट दे दी जाए। खंडवा के स्थानीय कांग्रेसी और जो कमलनाथ कैंप है, उनको लग रहा है कि अरुण यादव ने बहुत कमजोर नाम दिए दोनों, उनके पास कुछ दूसरे नाम है। अब सर्वे में कौन से नाम सामने आएंगे, अब सर्वे कब होगा, चुनाव डिक्लेयर हो गए, फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं, तो इन सारी की चीज के बाद में हम आज ये कह सकते हैं कि अरुण यादव ने जो दाव खेला है वो निश्चित तौर पे कमलनाथ अरुण यादव खेल गए। हाँ, अरुण यादव खेल गए, उसमें उलझ गए, अब उलझ गया कमलनाथ कैंप, उलझ गया उसमें। मतलब अपेक्षाएं अब कमलनाथ से बढ़ेगी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है और एक जीत की गारंटी भले ना हो, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार में सबसे प्रबल दावेदार थे अरुण यादव, वो कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना रहे, क्योंकि निमाड़ में अरुण यादव और उनके पिताजी का एक गहरा ताल्लुक रहा है। वैसे भी आजकल जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, कहीं ना कहीं उसमें पिछड़े वर्ग, तो मैं वही जानना चाहता हूँ सुशील जी, पहले सुलोचना रावत एक आदिवासी चेहरा, वो भी महिला, और अब पिछड़ा वर्ग, जिस वर्ग विशेष की बात कमलनाथ पिछले कई दिनों से कर रहे थे, जब भी वो दिल्ली से भोपाल पहुंचते थे, ये दो वर्ग ने जो चोट दी है वो कांग्रेस को क्या महंगी पड़ सकती है? नहीं, ये तो आप आत्मावलोकन कमलनाथ और उनकी जो किचन कैबिनेट है उनको करना चाहिए कि ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं। पहले आपके जो 28 जो है 25 जो है विधायक आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपके पूर्व विधायक भी अब जाना शुरू कर देते हैं, और उसमें वर्ग विशेष के लोग जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है कमलनाथ कैंप को चिंता करना चाहिए कि वो कांग्रेस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात जो अरुण यादव ने पूरा मैसेज दिया है, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ के पॉलिटिकल वर्तमान के इंतजाम को डेंट करता है। ओबीसी की आप राजनीति करते हैं, आपकी यदि अरुण यादव से खुन्नस थी भी तो आपको चुनाव मैदान में उन्हें उतारना चाहिए था। आपने लगातार जिस तरीके की बातें मीडिया में कही हो, या जिस तरीके की बातें कैंप से उनके बाहर आती रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़े कद का नेता और एक छोटे अभी युवा अवस्था के नेता के बीच में कोई जो है मुकाबला नहीं होता है। मुकाबले में अगर कमलनाथ रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने कद को कम कर रहे हैं, और तो उनके को संभाल नहीं पा रहे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है। देखिए, आप संभालने वाली बात करेंगे तो आपके आपके कुर्सी चली गई, आपको जो है 28 सीटों पे तब से आसान चुनाव होता है
230 के मुकाबले 28 सीटों पर चुनाव लड़े और आप 28 में जीत जाते। आपके पास सर्वे भी था, आपकी कंपनी का सर्वे था, उसमें आप फेल हो गए। फिर आप देख लीजिए लगातार जो है आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप राज्यसभा की उम्मीदवारी से अपने आप को जो है बाहर कर लेते हैं, वॉकओवर दे देते हैं, तो आप तो मैदान में आना ही नहीं चाहते। एक अच्छा एक युवा था, ओबीसी था, जो पुराना जीत भी चुका है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2019 के चुनाव में भी 1.5 लाख वोट उसको 2014 के मुकाबले मिले थे, उसके वोट कम नहीं हुए थे। ये एनालिसिस कौन करेगा कि 1.5 लाख वोट मोदी की 2019 की लहर में भी आप अगर ज्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी लोकप्रियता है। बाकी अन्य सीटों में तो नहीं हुआ ऐसा कमाल कि 1.5 लाख वोट ज्यादा मिल गया। चलिए छोटी सी बात, गणेश पांडे जी ले लें, कांग्रेस किस दिशा की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अब कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में समय कम दे पा रहे हैं, उसकी अपनी उनकी व्यक्तिगत वजह भी है, लेकिन ये चार उपचुनाव जो सत्ता के खिलाफ, चाहे वो मोदी सरकार हो या शिवराज सरकार, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जीवन ज्वलंत मुद्दे, ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर भगदड़ न सही लेकिन कुनबे की कलह का सामने आना, क्या अच्छे संकेत नहीं है? अगर नहीं है तो अब इसके पीछे किसकी रुचि है और वो कौन नेता है जो कुछ और ही देखना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर इस बदलाव के दौर में? देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, अंतर्कलह तेज है, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हाशिए पे डाल दिया गया है और यही कारण है कि कांग्रेस अभी सर्वाइव स्थिति में, संक्रमण काल से कांग्रेस है ना, चार उपचुनाव दो तो उनकी मजबूत है, दोनों जगह सहानुभूति की लहर है, भाजपा हैरान परेशान है, ऐसे में अगर ये कलह सामने आती है तो चार उपचुनाव में तो फिर जो बात आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए कमलनाथ कांग्रेस संगठन को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप केंद्र, अच्छा एक बात ये भी, कमलनाथ ये भ्रम दूर करिए, आप ही गणेश पांडे जी इसी सवाल दर सवाल की डिबेट में कहते थे कि कमलनाथ 2023 तक प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, इस अरुण यादव के दिए गए धीरे से जोर का झटका जो दिया है, इसको कहीं ना कहीं हाईकमान अब गंभीरता से लेने को मजबूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल लेगा, और चुनाव परिणाम के आने दीजिए, उसके बाद देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में बदलाव होता है, टॉप टू बॉटम बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं, और चुनाव परिणाम के बाद होगा। अगर चुनाव परिणाम, जैसे अरुण यादव को आप साधे रहते और चुनाव लड़वाते, भले चाहे चुनाव परिणाम कुछ भी आते, तो एक होता है कि आप संगठन को संभाल के रख पा रहे हो, कांग्रेस अध्यक्ष की जो है ये जवाबदारी। यही तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है लगातार कि संगठन में सभी जिम्मेदार नेताओं को साथ लेकर चलने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे कमलनाथ, या फिर उन्हें चिंता नहीं है। ऋषि पांडे जी, बहुत शॉर्ट में, दूसरे राज्यों की राजनीति में जो कांग्रेस के अंदर उठापटक है, क्या अब मध्य प्रदेश भी धीरे से राहुल गांधी के रडार पर आएगा, भले ही सबसे अंत पर है, अंत में ही क्यों नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद ही? राहुल गांधी के राडार पे मध्य प्रदेश आएगा तो और कबाड़ा ही होना। राकेश जी देखिए आप पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब भी तो राहुल गांधी के राडार पे ही था, वहाँ मुख्यमंत्री चले गए, उनके बनाए हुए अध्यक्ष चले गए, और छत्तीसगढ़ में भी आए दिन एक खतरे की घंटी भूपेश बघेल के ऊपर मंडराई रही है। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ का जो कद है वो कद कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है आला कमान को फैसला लेने के लिए भी, क्योंकि कमलनाथ सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनसे काफी वरिष्ठ भी पड़ते हैं और पारिवारिक जो उनके संबंध है, जो संजय गांधी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से लेके कमलनाथ के जो रिश्ते रहे, उन सबके चलते भी कमलनाथ को लेकर फैसला। कांग्रेस में अब ये कुछ ज्यादा मायने रखते हैं निर्णायक? नहीं, अब तो कांग्रेस को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वही हालत जो हमारे पंजाब में होगी वही होगा। इसको थोड़ा स्पष्ट करिए कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर देखिए आने वाले जो, जैसा गणेश जी बता रहे थे, लोग ये चुनाव के जो परिणाम आने वही निर्णायक साबित होंगे, उसके बाद ही सब कुछ तय होगा कि मध्यप्रदेश कांग्रेस की दशा और दिशा क्या होगी। हम पांच वो कौन है, कहाँ है, किस तरह से? राकेश जी फिर से कोई क्या पूछ रहे हैं? तू डाल में पांच की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के अंदर। देखिए बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में सब कुछ बिखरा है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है, कम से कम जो है अभी तक, देखिए सिंधिया को कमलनाथ से जो है अदावत के कारण पार्टी छोड़ना पड़ी, लेकिन अरुण यादव ने एक नई सीख दी है कांग्रेस के उन सारे नेताओं को जो कमलनाथ से परेशान है, मैसेज दिया है कि अंदर रहकर भी आप फाइट कर सकते हैं और बाजीगर बन सकते हैं। समय का अभाव है गणेश जी, अरुण यादव ने फैसला जो भी लिया एक लंबी लाइन खींच रहे हैं। बिल्कुल, अरुण यादव एक लंबी लाइन खींच रहे हैं और मैसेज देने का प्रयास किया है कि अब जो है वक्त आ गया है
बदलाव का, कांग्रेस में संगठन के बदलाव को अब नेतृत्व के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, गलत निर्णयों के खिलाफ मुखालफत करनी पड़ेगी। चलिए तो शुक्रिया अदा करेंगे सुशील शर्मा जी, गणेश पांडे जी और आदरणीय ऋषि पांडे जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के लिए खंडवा समेत चार उपचुनाव को 2023 विधानसभा चुनाव से पहले किसी मौके से कम नहीं माना जा रहा था, लेकिन कुनबे की कलह यदि पहले सुलोचना रावत को पार्टी छोड़ देने के मजबूर करती है तो सामने आती है ये बात, तो कहीं ना कहीं